नमस्कार छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर से। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी युवक भारती में शामिल किए गए विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक का अध्ययन करेंगे। नुक्कड़ नाटक, इसमें या इस विधा में हम इसका उद्देश्य, नुक्कड़ नाटक के विषय, समाज में उसका क्या उपयोग है, क्या स्थान है, इतना ही नहीं ऐसे नुक्कड़ नाटक के जो विशेषताएं हैं इन विशेषताओं का परिचय कराएंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विशेष अध्ययन हेतु जो नुक्कड़ नाटक है, इस नुक्कड़ नाटक विधा का परिचय करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस नुक्कड़ नाटक ने अपनी विशिष्ट शैली के आधार पर आज अपनी पहचान उसने बना लिया है। यह एक ऐसा धारदार विधा है जो राजनीति, समाज और साहित्य में संतुलन बनाए रखती है, इसे धारदार विधा कहा गया है कि यही धारदार विधा राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में संतुलन बनाने का काम करती है। वास्तव में यह एक सांस्कृतिक हथियार भी है जो सामाजिक जड़ विषमता को, मानसिकता को तोड़ने का काम करती है। हमारे मनुष्य की जो मानसिकता तैयार हो गया है, जड़ मानसिकता तैयार हो गया है, इस जड़ मानसिकता को तोड़कर लोक शक्तियों की पहचान वह कराता है। आज के लोगों की मानसिकता, उनकी आत्मीयता लोग भूलने लगे हैं, लोगों में संकुचित मनोवृत्ति निर्माण हुई है, जिसकी वजह से संवेदनशीलता भी कम हो रही है। सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को यही नुक्कड़ नाटक जनसाधारण की भाषा बनकर उसे सहजता से, सरलता से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह लोगों की सामाजिक समस्याओं को जनसाधारण तक पहुंचाना ही इस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य रहा है। नुक्कड़ नाटक लोगों की कला को जनता तक पहुंचाने का एक श्रेष्ठ माध्यम रहा है। नुक्कड़ नाटक कला को लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा श्रेष्ठ माध्यम रहा है। तो सबसे पहले हमें नुक्कड़ का अर्थ समझना होगा। नुक्कड़ से क्या तात्पर्य है? विद्यार्थी मित्रों,
इस विधा पर भी आपके परीक्षा में 6 गुणों के लिए कृति पूछी जा सकती है। तो इसलिए हमें नुक्कड़ माने क्या यह समझना है। नुक्कड़ का अर्थ है चौक या चौराहा, जहां चारों दिशाएं आकर एक जगह मिलती हैं उसे चौक कहा जाता है, उसे चौराहा कहा जाता है। यह चौराहा यह चौक ही नुक्कड़ कहा गया है। नुक्कड़ नाटक हमारे सामने एक आंदोलन के रूप में उभर कर आने लगा है या आया है, ऐसा कहेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। नुक्कड़ नाटक हमारे सामने एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। ये नाटक सामाजिक विसंगतियों को, समाज की विडंबनाओं को, प्राचीन काल से चलती आई हुई जो कमजोर हो गई रूढ़ियों को, या जो समाज में शोषण चलता है, इस शोषण और इतना ही नहीं आम जनता जीवन जीने के लिए जो संघर्ष करती है, इसी संघर्ष को, शोषण को, रूढ़ियों को या विडंबनाओं को या सामाजिक विसंगतियों को सहजता से लोगों के तक या जनता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार यह नाट्य रूप हमारे सामने जन संघर्षों या आंदोलनों का एक सबल हथियार बनकर आया है। नुक्कड़ नाटक को एक हथियार कहा गया है, जो हथियार नाट्य रूप में जन संघर्षों को, आंदोलनों को लोगों के सामने रखता है। आज के इस जीवन की त्रासदी को झेलते हुए, संघर्षों के बीच में गुजरते हुए मनुष्य आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही कुछ विषयों को लेकर यह नुक्कड़ नाटक तैयार होता है, निर्माण होता है। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, नुक्कड़ नाटक के उद्देश्य क्या हैं यह हमें जानना होगा। तो उसका पहला उद्देश्य है राजनीति, समाज, साहित्य में संतुलन बनाए रखना, सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को पहचानना। तीसरा है समस्याओं को सरल सहज भाषा में लोगों तक पहुंचाना। इस उद्देश्य के साथ नुक्कड़ नाटक लिखा जाता है। ऐसे नुक्कड़ नाटक के लिए अनेक विषय दिए गए हैं। इन विषयों तक पहुंचने से पहले लेखक नुक्कड़ नाटक का इतिहास यहाँ पर बताना चाहते हैं। नुक्कड़ नाटक मूलतः 8वें दशक से लोकप्रिय हुआ। नुक्कड़ नाटक को अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले क्या कहा गया है, देखिए, स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। आम तौर पर इसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे सड़क पर मदारी अपना खेल दिखाने के लिए भीड़ जुटाने लगता है। जिस प्रकार से कोई मदारी रास्ते के किनारे अपना खेल दिखाने के लिए बैठ जाता है, उसी प्रकार से यह नुक्कड़ नाटक भी रास्ते के किनारे या चौराहे पर खेला जा सकता है, दिखाया जा सकता है।
नुक्कड़ नाटक आम तौर पर संक्षिप्त होते हैं, छोटे होते हैं। 10-15 मिनट में किसी भी विषय को लेकर हम रास्ते के किनारे उसे प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि सड़क के किनारे स्वयं रुककर नाटक देखने वाले दर्शकों को भी अधिक समय तक हम रोक नहीं सकते। कोई नाटक रास्ते के किनारे खेल रहे हैं, कई लोगों की भीड़ अगर जम गई तो रास्ता रुक सकता है और वहाँ पर लोगों के लिए रुकना भी संभव नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, जो नुक्कड़ नाटक खेला जाता है उस नुक्कड़ नाटक में किसी रंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, किसी प्रकार का मेकअप करना नहीं पड़ता, वेशभूषा बदलनी नहीं पड़ती, वगैरह वगैरह। विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हसमी ने नुक्कड़ नाटक को देशव्यापी पहचान दिलाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्यार्थी मित्रों, यह सफदर हसमी जो एक रंगकर्मी हैं, छोटी सी उम्र में ही उन्होंने लिखना शुरू किया था। ऐसे सफदर हसमी ने नुक्कड़ नाटक को देशव्यापी पहचान दिलाने का महान कार्य किया है। ऐसे महान लेखक के जन्मदिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, सफदर हसमी का जन्म 12 अप्रैल 1954 को दिल्ली में हुआ। 34 वर्ष के आयु में ही उनकी हत्या की गई, पर जिन्होंने जो लेखन कार्य किया है उस लेखन कार्य को या नुक्कड़ नाटक को देश में परिचित कराने का कार्य उनका था। ऐसे महान सफदर हसमी के नाम पर नुक्कड़ नाटक दिवस मनाया जाता है। नुक्कड़ नाटक में न तो अंक परिवर्तन होता है न तो दृश्य परिवर्तन होता है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, नाटक 3 अंकों का होता है, 3 बार उसमें दृश्य परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, अंक परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, पर नुक्कड़ नाटक में किसी प्रकार का अंक या दृश्य परिवर्तन नहीं होता। वेशभूषा भी बार बार बदलनी नहीं पड़ती या बदली नहीं जा सकती, न ही नाटक को लंबा किया जा सकता है। सड़क या चौराहे पर खड़े बैठे दर्शकों के लिए घंटों तक रुकना मुश्किल होता है, इसलिए नुक्कड़ नाटक लंबे या दीर्घ नहीं होते। मंचीय नाटक के लिए पर्दा होता है, साज सज्जा होती है, नेपथ्य होता है, और इतना ही नहीं, ध्वनि का संयोजन करना पड़ता है। नाटक के लिए महंगा मंच सेट आदि की आवश्यकता होती है, पर नुक्कड़ नाटक खुली जगह बिना किसी साज सज्जा के खेले जा सकते हैं। नुक्कड़ नाटक में जो नाट्य मंडली होती है, नाट्य मंडली और दर्शकों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। अभिनेता दर्शक समुदाय के बीच गोलाकार रंगस्थल बनाकर अपना नुक्कड़ नाटक
दिखाने का प्रयास करता है। जो भी अभिनेता होता है, जो भी नाटक दिखाने वाले होते हैं, वे नाटक दिखाने वाले अभिनेता या रंगकर्मी जो कुछ हैं, वे इसी खुली जगह पर अपना यह नुक्कड़ नाटक लोगों को दिखाकर लोगों का मनोरंजन भी कर सकते हैं। मनोरंजन के साथ साथ उन्हें जागरूक करने का, उन्हें संदेश देने का, उन्हें प्रेरणा देने का कार्य यह नुक्कड़ नाटक करता है। हिंदी नाट्य साहित्य में नुक्कड़ नाटक प्रमुख रूप से लिखने वाले नाटककार सफदर हसमी, गुरुशरण सिंह, नरेंद्र मोहन, शिवराम, ब्रजमोहन, असगर वजाहत, राजेश कुमार आदि लेखक हैं। विद्यार्थी मित्रों, नुक्कड़ नाटक समाज परिवर्तन हेतु सकारात्मक उद्देश्य को केंद्र में रखकर निरंतर प्रदर्शित करने वाली अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। फिर एक बार सुनिए, नुक्कड़ नाटक समाज परिवर्तन के लिए, समाज परिवर्तन हेतु सकारात्मक उद्देश्य रखकर या सकारात्मक उद्देश्य को केंद्र में रखकर निरंतर प्रदर्शित करने वाली अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं। भारतीय जनजीवन के लिए आठवां दशक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न समस्याओं से भरा हुआ था। स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तरह तरह की समस्याएं भारत में थी। इतना ही नहीं, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या, सुरक्षा की समस्या, नैतिक मूल्यों का पतन, गलत रूढ़ियाँ, महंगाइयाँ, भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकारों का हनन, किसान मजदूरों का शोषण आदि समस्याओं ने अकराल विकराल रूप धारण कर लिया था। देखिए विद्यार्थी मित्रों, हमारे भारत देश में बेरोजगारी प्रमुख है, सुरक्षा की समस्या है, शिक्षा की भी कहीं पर समस्या है, कुछ गलत रूढ़ियाँ आज भी मुंह बाए खड़े हैं, भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलता है, महंगाई तो आसमान छू रही है, कहीं पर अन्याय, कहीं पर अत्याचार हर रोज देखने के लिए मिलता है। ऐसी समस्याएं भारत में अकराल विकराल रूप धारण उन्होंने कर लिया है। ऐसी विकट समस्याओं से जूझने के लिए लोगों को संगठित करके परिवर्तन लाने का कार्य नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। इन समस्याओं को लोगों के सामने रखकर उन समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाना चाहिए, किस प्रकार से उसका संघर्ष करना चाहिए, इसके लिए नुक्कड़ नाटक लोगों को संगठित करके उन्हें परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। नुक्कड़ नाटक के लिए अनेक ऐसे विषय दिए गए हैं। देखिए, नुक्कड़ नाटक के लिए बहुत से विषय आपको समाज में ही मिलेंगे। उसमें है समाज का परिवर्तन, सामाजिक एकता, शोषण मुक्त समाज, स्त्री पुरुष की समानता, सर्वधर्म समभाव की भावना, राष्ट्रभक्ति, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संवर्धन, जल साक्षरता,
आदि विषयों के बारे में लोगों में चेतना जगाने का कार्य नुक्कड़ नाटक महत्वपूर्ण भूमिका बजा रहा है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यह जो नुक्कड़ नाटक है यह प्रभावात्मक नाटक है जिसके माध्यम से हम समाज को बदलने के लिए, अनेक समाज में चेतना निर्माण करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए जो विषय चाहिए वे विषय उसी समाज से लेकर नुक्कड़ नाटक अपना काम करता है। आज नुक्कड़ नाटक के विषय व्यापक होने लगे हैं। इन विषयों में घर से लेकर मोहल्ले तक, शहर से लेकर गांव तक, महानगर के ज्वलंत प्रश्न तक आने लगे हैं। प्रशासन भी कई महत्वपूर्ण सामाजिक संदेशों का प्रसारण करता है, वह भी नुक्कड़ नाटकों से सहायता ले सकता है। शासन व्यवस्था हमारी जो कुछ है वह शासन व्यवस्था भी सामाजिक मूल्यों के लिए या सामाजिक संदेशों के लिए, उसके प्रसारण के लिए इस नुक्कड़ नाटक का सहायता ले सकता है। जल की समस्या, रक्त को बढ़ावा देना, रक्त को नहीं, रक्तदान को बढ़ावा देना, प्लास्टिक बंदी करना, प्रौढ़ साक्षरता के लिए प्रेरित करना, फिर एक बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लोगों के सामने रख कर उन्हें प्रेरणा देकर जनहित के लिए वे सहायता करते हैं। देखिए जल की समस्या आज चारों ओर है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रक्त की आवश्यकता होती है, उनके पास पैसे होने के बावजूद भी उन्हें रक्त मिल नहीं पाता। ऐसे में रक्तदान की योजना लेकर हम रक्त उपलब्ध करा सकते हैं। यह नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों में जागृति ला सकते हैं। इस प्रकार से लेखक जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रयोग करते हैं। क्या कहा गया है, देखिए, जन जन तक, लोगों तक, जनता तक अपनी बात सहजता से पहुंचाना नुक्कड़ नाटक का प्रमुख उद्देश्य रहा है। व्यक्ति को जब भीतर से किसी बात की चुभन अनुभव होने लगती है, व्यक्ति को किसी बात की अपने अंदर से चुभन महसूस होने लगती है, तभी वह भीतर से बदलने को तैयार हो जाता है। कथ्य के स्तर पर वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं को नुक्कड़ नाटक सीधे साधे लोगों तक पहुंचाता है। वही तकनीकी के स्तर पर अपनी कुछ खास खूबियों को साथ में लिए वह घूमता है और बिना मंच के किसी चौराहे पर, किसी नुक्कड़ पर, किसी गली के कोने पर वह नाटक दिखाकर वहाँ पर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। भारत में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत सामाजिक आवश्यकता के रूप में हुई है। सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए कुछ ऐसी अनिष्ट रूढ़ियों, परंपराओं पर चोट करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अव्यवस्था के प्रति लोगों के मन में जो असंतोष होता है,
जन सामान्य को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए नुक्कड़ नाटकों को माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक कला की एक महत्वपूर्ण शैली के रूप में अपना स्थान बना चुका है। देखिए, धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक कला की एक महत्वपूर्ण शैली के रूप में वह अपना स्थान बना चुका है। तो ऐसे नुक्कड़ नाटक की कुछ विशेषताएं बताई गई है। उसमें से पहली विशेषता है तात्कालिकता, गतिशीलता, अचूक लक्ष्य, संक्षिप्तता, सहज भाषा और व्यंग्य शैली। इन विशेषताओं की वजह से नुक्कड़ नाटक अपना स्थान बना चुका है। विद्यार्थी मित्रों, किसी भी घटना या समस्या का समाधान इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों के सामने तात्कालिक रूप में रखा जाता है और उसका असर भी, उसका परिणाम भी तात्कालिक रूप में देखने के लिए मिलता है। नुक्कड़ नाटक का लेखक किसी तात्कालिक ज्वलंत समस्या को लिखकर उसकी प्रस्तुति करता है ताकि उस विषय के प्रति लोगों के मन में जागरूकता निर्माण हो सके। इस प्रकार से उसकी पहली विशेषता है कि हमारे ही जीवन से संबंधित तात्कालिक विषमता को उठाना, उस पर लेखन करना और उसे समाज के सामने रखना, लोगों को जागरूक करना, यह नुक्कड़ नाटक की पहली विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता है गतिशीलता। नुक्कड़ नाटक के विषय का चयन करते हुए इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इसकी प्रवाहमय धारा, विषय पात्र और दर्शक तेजी से आगे बढ़ते हैं। नाटक के अंत तक किसी को कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। इसमें कथ्य और शिल्प का फैलाव नहीं होता। इतनी तेजी से इस रास्ते के किनारे नुक्कड़ नाटक खेला जाता है कि लोगों को सोचने समझने के लिए वक्त नहीं मिलता। इसलिए थोड़ी देर में प्रवाहमयता के साथ, गतिशीलता के साथ लोगों के सामने विषय को रखा जाता है। नुक्कड़ नाटक हथियार की तरह पारंपरिक रूढ़ियों द्वारा किए जा रहे शोषण को, अन्याय अत्याचार को खत्म करके वर्गहीन समाज की स्थापना करने का लक्ष्य साधता है। क्या कहा गया है, देखिए, अचूक लक्ष्य। विद्यार्थी मित्रों, नुक्कड़ नाटक एक हथियार की तरह काम करता है। जिस प्रकार से हथियार नोकदार होता है, सीधे लक्ष्य को वह छूता है, उसी प्रकार से नुक्कड़ नाटक भी पारंपरिक जो रूढ़ी परंपराएं हैं, जिसका आज के युग में कोई महत्व नहीं है, वे कमज़ोर हो गए हैं, ऐसे पारंपरिक परंपराओं में लोगों का तरह तरह से, सामान्य मनुष्य का तरह तरह से शोषण किया जाता था। ऐसे सामान्य मनुष्यों पर अन्याय अत्याचार किए जाते थे, तो उस अन्याय अत्याचार को खत्म करके वर्गहीन समाज की स्थापना करने का काम यह नुक्कड़ नाटक करता है। इसकी अगली विशेषता यह है संक्षिप्तता। नुक्कड़ नाटक में संक्षिप्तता महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व माना गया है। लंबे लंबे संवाद, विषय का विस्तार नाटकों को निराश बना देता है। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम लंबे लंबे संवाद बोलने लगेंगे या विषय बड़ा सा रहेगा तो वह निराशजनक हो जाता है। इसलिए
ऐसे नाटक संक्षिप्त होते हैं, जितना नाटक संक्षिप्त होगा उतना ही उसका असर, उतना ही उसका प्रभाव समाज पर, जनता पर पड़ने लगता है, अधिक होता है। जो नुक्कड़ नाटक होता है वह नुक्कड़ नाटक नाटककार प्रायः सहज भाषा में, व्यंग्य शैली में प्रस्तुत करता है। 20-25 मिनट में किसी गंभीर समस्या का जनभाषा में प्रस्तुतीकरण करके स्वाभाविक और रोचकता से उसे बढ़ाने का प्रयास करता है। विषय कितना भी गंभीर हो पर नाटककार उसे सहज बनाता है और इसे सहज बनाकर व्यंग्य शैली के माध्यम से 20-25 मिनट में जनता तक पहुंचाने का काम करता है, जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम करता है और उसे स्वाभाविक और रोचक बनाता है। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यासक्रम में विशेष अध्ययन के हेतु जो नुक्कड़ नाटक रखा गया है, इस नुक्कड़ नाटक का विधा परिचय, उसका उद्देश्य और उसके विषय, इतना ही नहीं उसका उपयोग किस प्रकार से होता है, उसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में हमने परिचय कराया है। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई बात कठिन लगती है तो फिर एक बार इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।